वेलकम दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फटाफट आप लोग यहां से जुड़ जाएं, लाइक शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ जाएं यहां से, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फटाफट यहां से लाइक शेयर कर दो और भी दोस्तों को बता दो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल, विजिबल? कोई भी टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे तुरंत अभी रिप्लाई कर दें, फिर हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर कर दो। ओके, गुड इवनिंग। आप जो भी लोग लाइव हो थोड़ा एक बार कमेंट्स कर दो, ठीक है, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए फटाफट सभी जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों आप लोग यहां से जुड़ते जाइए और जो भी लोग यहां पे हैं वो लोग प्लीज लाइक शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे जुड़ जाए। सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पे दोस्तों, मैं हरीश कुमार आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम इस चैनल के माध्यम से बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर रोज बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के अबाउट हमारी क्लासेस रहती है। और जैसा कि आप लोग को हर रोज हम 7 बजे मिलते हैं और कुछ ना कुछ अच्छे लेवल के हम एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी आप लोगों के लिए काफी अच्छे यहाँ पे एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन हैं। आप लोग बारी बारी से उसका आंसर दीजिएगा और डेफिनेटली हम उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है दोस्तों, और वो है अनअकैडमी के एप्लीकेशन को फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। कारण ये है कि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। फ्री क्लासेस भी यहां पर चलती है और इन सभी फ्री क्लासेस का फायदा आपको लेने के लिए एक कोड यूज करना होगा, वो है HK2020। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा जहां पे आपको ऑलरेडी लाइव क्लासेस मिल रही है और पूरे टेस्ट सीरीज से लेकर क्विजेस की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा कोर्स का स्ट्रक्चर भी प्रॉपर आपका इसी फ्री क्लासेस में काफी सारे अच्छे कंटेंट आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि फ्री क्लासेस के लिए आप जो है HK2020 इस रेफरल कोड को याद रखिएगा। और जब भी आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस देखेंगे या किसी का भी किसी भी टीचर्स का आप क्लासेस अगर लेना चाहें, अनलॉक करना चाहें, तो इसी कोड का यूज कीजिएगा। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन में भी काफी अच्छे यहाँ पे कोर्सेस रखे गए हैं जो आप लोगों के लिए, यहाँ पर हर मंथ जो है नई बैचेस यहाँ पे बनती है दोस्तों। और सभी बैचेस में आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सभी बैचेस को आप अटेंड कर पाएंगे और सभी टीचर्स के लाइव वीडियो आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक ऐसी सब्सक्रिप्शन आपको फैसिलिटी मिल जाती है, एक ऐसी सब्सक्रिप्शन फैसिलिटी से आप जुड़ जाएंगे जहां पर वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, फर्स्ट टाइम आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना होगा और इंटायर कोर्सेस, अलग अलग बैचेस, अलग अलग टीचर्स, ऐसे सभी पैटर्न पे आपको अलग अलग यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। मतलब चॉइस ऑफ टीचर्स और चॉइस ऑफ बैचेस आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों। ये काम आप लोग फटाफट कर लीजिएगा जहां से हम लोग काफी सारे लाइव टेस्ट और क्विजेस भी करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके चलिए
बात करते हैं अनदर गवर्नमेंट जॉब्स की, तो यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे चलती रहती है और हर रोज लाइव क्लासेस यहाँ पर चलती है। तो लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए इस कोड का आप यूज कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टेंट अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए अगर प्लस कोर्स में आ रहे हैं तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए भी इसी कोड का आप लोग यूज कर सकते हैं, HK2020 इस रेफरल कोड का। स्कूली बच्चों से लेकर गवर्नमेंट जॉब के सभी वैकेंसी की तैयारी यहां पर कराई जाती है, तो यहां पर आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइएगा। सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों, और आप लोग जो भी लाइव यहां पे जुड़े हैं सबको गुड इवनिंग, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन की हम बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फीस एक साल का या दो साल का किसी भी एक सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हैं तो आप काफी फायदे में रहेंगे। एक साल का सब्सक्रिप्शन या दो साल का कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा और साल भर तक एक्सेस कीजिएगा, चॉइस ऑफ टीचर्स, चॉइस ऑफ बैचेस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है और 10% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, HK2020 रेफरल कोड की सहायता लेनी होगी और जिससे आपकी फीस काफी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा। और छोटा सब्सक्रिप्शन लेने का कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक सीमित समय में तैयारी करनी है तो एक लंबी अवधि पे तैयारी करना ज्यादा अच्छा होता है, तो एक साल का या दो साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेटर होगा। HK2020 रेफरल कोड लगा लीजिएगा। चलो बात करते हैं अनअकैडमी का एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक काम और कर लीजिएगा, मेरा प्रोफाइल आप लोग रेट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लाइक शेयर कर देना और डेडिकेशन भी आप मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री क्लासेस देखने के लिए मैंने क्या कहा कि HK2020 ये रेफरल कोड आपको लगाना होगा। ठीक है, चलिए जनरल अवेयरनेस का पैटर्न ओवरऑल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों, और इन शॉर्ट में बता दूं तो टोटल इन तीनों पैटर्न पे ही आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बनता है, वो भी बैंक एग्जाम के लिए। यदि आप फर्स्ट टाइम बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 55% पे आपको टोटल करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, कम से कम 6 to 7 month का। इसके अलावा स्टैटिक करंट अफेयर्स आपके लिए हर एग्जाम में उपयोगी हो जाता है, ये 25% पे हम इसे कंप्लीट करेंगे। और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, चूंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर का एक रिक्रूटमेंट होता है बैंकिंग सेक्टर का, इसलिए आपको यहाँ पर 20% पे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी अलग से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं आप आज का डेली डोज के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और ये सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी करंट अफेयर्स के तौर पे हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं, बारी बारी से इसका आंसर दीजिएगा, मैं बीच बीच में इसे डिक्टेट भी करते जाऊंगा और आपको इससे जुड़ी हुई खबरें भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो ये है पहला आप लोगों के लिए क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021। ठीक है, क्या रैंकिंग दी गई है दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 द्वारा इंडिया को, इसकी रैंकिंग आपको बतानी है, कौन सा ऑप्शन आप यहां पे लेंगे। ओके ज्योति, गुड इवनिंग, आपने कहा ए ऑप्शन, और कोई, एनीबडी। चलिए तो बता दें यहां पे राइट आंसर 10th नंबर पे जो है इसकी पोजीशन बताई गई है दोस्तों ओवरऑल। ठीक है, तो याद रखिएगा 10th पोजीशन पे अभी इंडिया की रैंकिंग बताई गई है CCPI 2021 के माध्यम से, तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है इंडिया के लिए। और इसके अलावा और भी अलग अलग देश हैं, जैसे नॉर्वे है तो नॉर्वे की पोजीशन अलग बताई गई है, स्वीडन स्वीडिश की अलग बताई गई, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश हैं, यहाँ पे यूएस का भी रैंकिंग दी गई है, लेकिन हमारे इंडिया की बारी अब आती है तो ये 10th पोजिशन पे है। तो ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो याद रखिएगा 10th पोजिशन इसको दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए यहाँ पे फटाफट। एज पर द न्यू सर्वे, ठीक है, नए सर्वे के माध्यम से ये बोला जा रहा है, एज पर द न्यू सर्वे कंडक्टेड बाई द नेपाल एंड द चाइना, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज बिकम टालर बाई विच सेंटीमीटर। अभी नए सर्वे के मुताबिक इंडिया और नेपाल के द्वारा ये घोषित किया गया है कि माउंट एवरेस्ट का एक नया उन्होंने जो है एक सर्वे किया है, जहां पे उन्होंने पाया है कि कुछ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी या घटौती आपको देखने को यहाँ पे मिला। तो ये कितने सेंटीमीटर यहाँ पे आपको जो है वो आंसर लेना है, ये आप मुझे बताएं कितने सेंटीमीटर,
ये न्यूज हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, बताइए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, चलिए तो यहां पे 86 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 86 सेंटीमीटर की जो बढ़ोतरी है वो आधिकारिक तौर पे अभी घोषणा कर दी गई है कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी जो कुल लंबाई है, ठीक है, उसकी कुल लंबाई है नेपाल द्वारा, चीन, नेपाल और चीन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 86 सेंटीमीटर से अधिक हो गई है, ये अभी घोषणा की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। अगर हम फाइनल, अगर इसके टोटल अगर हम मीटर में बात करें दोस्तों, तो मीटर में आप इसे लिख सकते हैं 8848, ओके, 8848.86। तो सबसे पहले इसकी जो अगर हम बात करें फिर से, ये 1954 में, मतलब 1954 में जब सर्वे किया गया था तो इसकी लंबाई 8848 के आसपास बताई गई थी, और बाद में अभी ये कहा गया है कि 0.86 सेंटीमीटर के आसपास जो है इसमें फिर से उसकी वृद्धि नजर आई है। तो अभी हाल ही में ये सर्वे में ये बात की गई है कि 86 सेंटीमीटर जो है ये अधिक ऊंचाई अब माउंट एवरेस्ट की है, ठीक है। चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM भोपाल हैज रिसेंटली इंक्ड एन MOU विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन और ऑफ नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट NLRP, DRDO, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI, NTPC लिमिटेड, टाटा डेवलपमेंट कंपनी। भारतीय वन प्रबंधन की बात की जा रही है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM भोपाल ने हाल ही में नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट NLRP के कार्यान्वयन के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। DRDO भी ऑप्शन है, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI, NTPC, टाटा डेवलपमेंट कंपनी, बताइए राइट आंसर। ओके, डी ऑप्शन। अदिति गुड इवनिंग, ज्योति गुड इवनिंग, यहां पे आप लोग राइट आंसर क्या ले रहे हैं मुझे कंफ्यूजन हो रही है। आप ज्योति आप कह रहे हो डी ऑप्शन होना चाहिए, चलिए ठीक है। और अदिति आप क्या कह रहे हो यहां पे, सी ऑप्शन, ओके। इस क्वेश्चन में बताओ, यहां पे मैं बता दूं, यहां पे डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन ही सही है, NTPC लिमिटेड की यहां पे बात की जा रही है, ओके, ध्यान रखिएगा। NTPC ये खबर आपने पढ़ी होगी कहीं पे, ठीक है। तो यहां पे मैं खबर आपके फिर से बता दूं, अपडेट कर दूं यहां से, देखिए ध्यान रखिएगा, बिजली मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम के तौर पे जो NTPC लिमिटेड है नर्मदा लैंडस्केप रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट NLRP के कार्यान्वयन के लिए भारतीय प्रबंधन वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, भोपाल के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर जो है इनका हस्ताक्षर किया गया, ठीक है, तो NTPC याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020, इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल, इमेजिन ए न्यू कनेक्टेड वर्ल्ड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी, कनेक्टिंग द नेक्स्ट बिलियन, मेक फॉर वर्ल्ड। तो बताइए यहां पे क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दोस्तों, भारत मोबाइल कांग्रेस 2020 का विषय क्या है ये बताना है आपको,
ओके, ए ऑप्शन आया है अर्जिता डे, गुड इवनिंग। आप कह रहे हैं यहाँ पे अरित्र, अरित्र डे। ओके, अरित्र, अरित्र डे कह रहे हैं, ए ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल, इसकी बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो पीएम मोदी के माध्यम से, पीएम मोदी जी के माध्यम से इसका हाल ही में अभी उद्घाटन किया गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में कुछ और अपडेट अगर आप ले लें तो अच्छा होगा। जैसे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और वो भी वर्चुअली कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ है यहाँ पर, जहां पे आत्मनिर्भर भारत को लेकर खास तौर पे स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल इनोवेशन, इंक्लूसिव इनोवेशन की बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो यही इस वर्ष का थीम था, सब्जेक्ट था। अनदर क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज वॉन द 2020 यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड ऑफ UNCTAD। ऑप्शन भी दिया है सिंगापुर, जापान, नेपाल, चाइना एंड इंडिया आल्सो। बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। ओके, राइट ऑप्शन यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का ई ऑप्शन। ओके, साहिल सिंह जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे चले दोस्तों, बहुत बढ़िया। अरित्र डे जी कह रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन होना चाहिए, थोड़ा सा ये आप गलत ले रहे हैं ऑप्शन, ऐसा लग रहा है सर। एक बार सोच लीजिए, थोड़ा सा विचार लीजिए। देखिए यहां पर आपके आपका आंसर क्यों गलत हो रहा है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस देश ने UNCTAD का 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है, तो यहां पे मैं बता दूं भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, इसको आप अपडेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको अपडेट करना है व्यापार विकास पर जो है जिनेवा स्थित जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ है। ठीक है, UNCTAD इन्होंने भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी के तौर पे जो इन्वेस्ट इंडिया है इसको 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश पुरस्कार के तौर पे इसको प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया को ये प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन जो पुरस्कार है ये दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर 6, द यूएन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ग्लोबली। 6 दिसंबर, 8, 7, 9, 10। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। ओके, 9 दिसंबर कह रहे हैं अरित्र डे जी। ज्योति क्या होना चाहिए यहां पे ऑप्शन, 9 इज राइट और रॉन्ग। ओके, 9 दिसंबर को जो है एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फाउंडेशन। ज्योति दत्ता, विवेक मूर्ति, अनिल सोनी जी, सौम्या, शिवेंद्र गुप्ता, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 क्लियर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जा रही है, इस फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें दोस्तों, यहां पे अमेरिकी स्थित भारतीय मूल के स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पे जो अनिल सोनी जी हैं उन्हें अभी WHO के नवनियुक्त, ठीक है, WHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मींस CEO के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा अनिल सोनी जी का नाम। ओके, चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर एट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू हैज लॉन्च द वर्चुअल 2020 फिट इंडिया साइक्लोथन, द प्रोग्राम इन विच इज विच एडिशन ऑफ द पैन इंडिया साइक्लिंग इवेंट। क्वेश्चन नंबर एट, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने वर्चुअली 2020 फिट इंडिया साइक्लोथन लॉन्च किया है, प्रोग्राम जो है पैन इंडिया साइक्लिंग इवेंट किस एडिशन के तौर पे मनाया गया है, सेकेंड एडिशन था, फर्स्ट था, थर्ड है, फोर्थ है या फाइव है, कितनावा वर्षगांठ है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर, बताइए दोस्तों, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर सेकेंड नंबर का। तो ये दूसरा वर्षगांठ था जब ये फिर से ये पैन इंडिया साइकिलिंग इवेंट के तौर पे मनाया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर 5 9, पीडब्ल्यूसी की हम बात करें तो पीडब्ल्यूसी इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद द विच एंटिटी टू अप स्किल 300 मिलियन यंग इंडियंस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर जॉइंटली विद युवा, बताइए क्या होना चाहिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, पीडब्ल्यूसी इंडिया के युवा के साथ संयुक्त रूप से अगले 10 वर्षों में 300 मिलियन युवा भारतीयों को आगे बढ़ाने के लिए किस यूनिट के साथ सहयोग किया गया है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, UCAID या यूनेस्को। अदिति कह रही है 9D, और भी एनीबडी कोई भी यहां पे प्लीज कमेंट्स कीजिए। ज्योति कह रही है बी ऑप्शन होना चाहिए, अलग अलग आ रहा है देख लीजिए, और कोई, अरित्र जी आप भी बी कह रहे हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ की पहल है, ठीक है, यूनिसेफ युवा, ये WC इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच एंटिटी दैट इज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ की विशेष पहल यहां पे आपको दिखेगी, जहां पे 300 मिलियन युवा भारतीयों को जो है इसका फायदा मिलेगा, क्लियर है। चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे, बताइए यहां पे राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या होना चाहिए। नरसंहार के अपराध के तौर पे इस अपराध की रोकथाम में जो खासतौर पे जो पीड़ित थे इनके लिए डेडिकेट करते हुए अंतरराष्ट्रीय तौर पे सम्मान देने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के तौर पे प्रतिवर्ष ये दिन मनाया जाता है, तो ये किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन। क्लियर है, 9 दिसंबर ही याद रखना है, डेफिनेटली 9 दिसंबर ही इज राइट आंसर, 9 दिसंबर, ओके। चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ADB आसियान डेवलपमेंट बैंक एज टेक्निकल असिस्टेंट टू सपोर्ट एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया, कितना US डॉलर वो रकम है ये आपको बताना है, ABCDE। क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों, बताइए क्या होना चाहिए। भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता के तौर पे ADB द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है, ये क्वेश्चन है, 2.5, 1 मिलियन, 3.5, 1.5, 2.0, बताइए दोस्तों, ए ऑप्शन 2.5 मिलियन, और कोई एनीबॉडी, किसी को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल डेफिनेटली यही है आंसर, 2.5 मिलियन। ओके, मनीला स्थित अगर हम बात करें तो मनीला स्थित जो आपके एजेंसी के तौर पे एशियाई विकास बैंक जो कार्य करती है वो भारत में उन्नत जैव ईंधन के तौर पे बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए इंडिया पर इतना यूएस डॉलर का इन्वेस्ट करने जा रही है, 2.5 मिलियन, बहुत पैसा होता है, लगभग 18 करोड़ के आसपास। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेम द टू सिटीज ऑफ द मध्य प्रदेश विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट। मध्य प्रदेश के दो ऐसे सिटी का नाम बताइए जिसको यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में एक हेरिटेज सिटी के तौर पे लिस्ट में शामिल किया गया है। उज्जैन, ग्वालियर, ओरछा, इंदौर, ग्वालियर, ओरछा, सांची उज्जैन या ग्वालियर भोपाल, बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन। खुशी सिंह जी कह रही है यहां पे ए ऑप्शन होना चाहिए, इसी क्वेश्चन में आप कह रहे हैं ना ए ऑप्शन। चलिए बताइए बताइए, कमेंट्स कीजिए फास्ट। ज्योति कह रही है सी ऑप्शन होना चाहिए, और कोई? अच्छा खुशी, आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपके पास है अनअकैडमी एप्लीकेशन? सभी को ये काम कर लेना है, अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फटाक से मुझे फॉलो कर लेना, मेरी जो भी फ्री क्लासेस है वो आपको देखने को मिलेगा, और साथ में आप अदर टॉप के एजुकेटर्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो काफी अच्छे यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, वो भी आपको स्पेशल क्लासेस में जो कि फ्री होती है, तो सबकी क्लासेस आपको लेने के लिए अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे आना चाहिए। यहाँ पे लाइव क्विज भी होती है दोस्तों, तो फटाफट अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करना, फायदे में रहोगे आप और साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे राइट आंसर आप लोग को लगाना है दोस्तों, ग्वालियर एंड द ओरछा। क्या? ग्वालियर और ओरछा, याद रखिएगा दो ऐसी सिटी है मध्य प्रदेश की जिसको अभी हालिया में यूनेस्को द्वारा एक आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है, एक ऐतिहासिक स्थलों वाले जगह के तौर पे इसे जाना जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल डेफिनेटली बी ऑप्शन। अच्छा अदिति, आप बी ऑप्शन किस में कह रहे हो, आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें, आरबीआई की खबर है दोस्तों, आरबीआई की खबर है। देखिए अगर मैं फिर से प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे चलूं तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए मध्य प्रदेश में हम बात करें तो ग्वालियर और ओरछा को जो है ऐतिहासिक किले वाले शहरों के तौर पे इसको विश्व धरोहर की श्रेणी में इसको रखा जाएगा, इन दोनों सिटी को। ठीक है, तो ये मायने रखता है और काफी गौरवपूर्ण बात है हमारे लिए। बात करते हैं आरबीआई का, तो आरबीआई में हाल ही में अभी एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक का नाम आपको बताना है उस बैंक का जिनका लाइसेंस अभी रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावना आरबीआई को नजर नहीं आई थी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ इन महाराष्ट्र एज इट डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड द अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। तो बताइए उसका नाम क्या है उस बैंक का, ऑप्शन बताइए दोस्तों, ए बी सी डी, फटाफट। देखिए क्लासेस बोरिंग हमें नहीं करनी है, एकदम फटाफट कम समय में काफी ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें कवर करनी है, काफी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है। आप अगर गलत कमेंट्स भी कर रहे हैं तो फटाक से कीजिए, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं, कोई हम एप्टीट्यूड की क्लास नहीं ले रहे, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे डी ऑप्शन आ गया है ज्योति जी का, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिनका भी डी ऑप्शन जिन्होंने सोचा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कराद जनता सहकारी बैंक, इनके पास ना तो पर्याप्त पूंजी है दोस्तों और ना कोई कमाई का जरिया है, इसलिए बैंक जो है वो आरबीआई के माध्यम से जो है ये संचालित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी घाटे पे चल रही है और आरबीआई ये समझौता नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली इनका लाइसेंस इनको रद्द करना पड़ा है। ठीक है, गुड इवनिंग संजय जी, गुड इवनिंग। चलिए संजय जी आप भी एकदम जुड़ जाइए, अरित्र आप तो जुड़े हो, बहुत बढ़िया, यहाँ पे डी ऑप्शन ही लेना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, फटाफट पढ़ लीजिए, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2020। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हमने इसके बारे में बात किया था, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अभी हाल ही में हमने बात किया और यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से आ गया, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 2020 का विषय क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर नो काउंट, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, फॉर द डेवलपमेंट, पीस एंड द सिक्योरिटी, बी ऑप्शन, या एक्ट हेल्प डिटेक्ट करप्शन रिस्क टूडे, जीरो करप्शन 100% डेवलपमेंट, या रिकवर विद द इंटीग्रिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। देखिए, कोई ना कोई इवेंट होता है जब भी, तो उसके पीछे उसका मकसद होता है, उसका उद्देश्य होता है, तो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी इवेंट का सब्जेक्ट डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पे बताइए, ओके, ज्योति कह रही है ई ऑप्शन होना चाहिए। वायरल, वायरल जी भी जुड़े हुए हैं, वायरल ई ऑप्शन कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका बहुमत में जाते हैं, बहुमत का जमाना है, ठीक है। रिकवर विद द इंटीग्रिटी, रिकवर विद इंटीग्रिटी की बात की जा रही है दोस्तों। इस साल की थीम यही था, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2020। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, स्वीडिश पूल वॉल्टर के तौर पे जाने जाते हैं खिलाड़ी, उनका नाम बताना है, एंड द वेनेजुएलियन ट्रिपल जंपर के तौर पे एक महिला क्रिकेटर का आपको नाम बताना है। इन दोनों खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पे नवाजा गया है, तो बताइए उन दोनों खिलाड़ियों का नाम। क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट। मैंने क्या कहा, स्वीडिश पूल वॉल्टर के तौर पे और वेनेजुएला ट्रिपल जंपर के तौर पे दो खिलाड़ी का नाम बताइए। एक पुरुष है, एक महिला है, और 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट के तौर पे इनकी हाल ही में अभी जीत हुई है, उन दोनों का नाम बताइए, बताइए दोस्तों एकदम फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो स्वीडिश पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है, मोंडो डुप्लांटिस, इनका नाम याद रखना है अच्छे से, ठीक है। और वेनेजुएला के अगर ट्रिपल जंपर की हम बात करें तो यूली मार रोजास, ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ये महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पे इनकी जीत हुई है, और ये पुरुष वर्ग में है, इन दोनों खिलाड़ियों को अभी हाल ही में जीत हासिल हुई है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, 2021 विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में होने वाली है? द 2021 वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम एनुअल मीटिंग इन शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री? स्कॉटलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। राइट आंसर एकदम फटाक से, जिनका आंसर फटाफट आए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, आप तो एकदम डीजे ही बजवा दिए, बिल्कुल डीजे बजा देंगे, एकदम डीजे बजा ही दो यार, बिल्कुल। विशाखा, एकदम फटाफट, क्या बात है, ये ई ऑप्शन आ गया, सिंगापुर सबने लिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं। विच कंट्री हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एशियन रीजन इन द कैलेंडर ईयर 2021 एज पर नोमुरा? चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, एकदम फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश को नोमुरा के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में एशियाई क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के होने का अनुमान लगाया गया है? कुछ बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ रहा है ना, डीजे बज जाएगा बिल्कुल, क्या बात है, वाव वाव, ये हुई ना बात फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे राइट आंसर लगा लें, क्या ऑप्शन ले रहे हो, सबका आना चाहिए। देखो, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, जिनको नहीं समझ में आ रहा हम तो न्यूज पढ़ेंगे उनके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए पढ़ेंगे, सबको मिलेगा, ठीक है, सबके लिए रखा हुआ है यहां पे, सबके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए है, ठीक है।
गुड इवनिंग आप सबको। काफी लोग यहाँ पे मुझे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा ही माहौल बना दो, माहौल बनता है तब मजा आता है पढ़ने में, ठीक है ना? तो ये माहौल बनना चाहिए। तो ये हो गया राइट आंसर, क्लियर है सबको? थोड़ा सा पढ़ लें क्या इसके बारे में? देखिए क्वेश्चन, अगर हम सेकंड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो जापानी अनुसंधान और ब्रोकरेज के तौर पे हाउस नोमुरा ने भारत को 2021 में सबसे तेजी से बढ़ती हुई एशियाई अर्थव्यवस्था के तौर पे इसका अनुमान लगाया गया। तो राइट आंसर इज इंडिया, इंडिया भारत, हमारा भारत। चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ फटाफट पढ़िए। फिच रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी ऑफ इंडिया कितने परसेंट होने का अनुमान लगाया गया है फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए, बताइए दोस्तों कितना? कुछ है आइडिया इसके बारे में? एनीबॉडी, कोई भी फटाफट फटाफट, समय खराब नहीं करना है। कहां चले गए सब डीजे बजाने वाले? सब गायब, बने रहो वायरल मेरे भाई। ज्योति डी ऑप्शन, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति नजर आ रही है, अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो कोई नहीं, यहां पे मैं आप लोग को बता दूं, यहां पे डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा ज्योति, ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करें तो -10.5 इतना रहने का अनुमान लगाया गया है। अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है, आपका आपका आंसर सही है। -9.4% टू ये रहने का अनुमान जो है वो किया गया था, तो ये -9.4% इज राइट आंसर, सॉरी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे, व्हेन इज द ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कब होना चाहिए, एकदम फटाफट फटाफट यार फटाफट, समय खराब मत करो, सबको भूख लगी है ना, सबको भूख लगी है ना, ये बात हुई ना, क्या बात है। डी 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 कंफर्म डी, ओके ज्योति भी डी, पक्का डी, चलो भाई तो ये अच्छी बात है। 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार होता है दोस्तों जो हमको इंसान होने के नाते प्रदत्त होता है, उसे हम मानवाधिकार कहते हैं। मतलब इंसान होने के नाते जो अधिकार हमें प्रदत्त होते हैं, प्रकृति प्रदत्त, ऐसे अधिकार को आप मानवाधिकार की श्रेणी में रखते हैं। और हम कॉन्स्टिट्यूशनल अगर फंडामेंटल देखें, फंडामेंटल वे से अगर हम देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स होते हैं, खासतौर पे संवैधानिक अधिकारों की मैं बात कर रहा हूं, उसे किसी भी देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स का, तो मानवाधिकार हमें, चूंकि हम एक इंसान हैं, इसलिए स्वच्छ जल पीने का, स्वच्छ वायु में रहने का, ये जो है वो प्रकृति प्रदत्त द्वारा होता है, इसलिए इसे मानवाधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे अधिकारों को आप सबको पता होगा कि आपको नेचर ने कभी डिसाइड नहीं किया कि फलाना आदमी जो है वो 1 किलो ऑक्सीजन लेगा और दूसरा आदमी जो है वो 2 किलो का ऑक्सीजन लेगा, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? हमको स्वच्छ पानी और स्वच्छ जलवायु हमको प्रकृति नेचर दे रही कि नहीं दे रही है? इतना तो अधिकार सबको है, यही मानवाधिकार है, यही फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। तो मानवाधिकार के तहत ये 10 दिसंबर मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नोमुरा हैज एस्टिमेटेड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नोमुरा हैज एस्टिमेटेड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इंडिया फॉर द कैलेंडर ईयर 2020-21 8%, एट विच परसेंट? यहां पे चलिए हम बात कर लेते हैं 9.9% के साथ में, ठीक है। यहां पे ज्यादा जबरदस्ती का आप लोग का समय खराब हमको भी नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन नंबर 21 पे। इंडियन प्लेयर पार्थिव पटेल, आप सबको पता है पार्थिव पटेल, आपने इस नाम में सुना होगा, काफी चर्चित नाम है, क्रिकेट जगत के जाने माने खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में अभी बात आई है कि इन्होंने अभी हाल ही में जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ही प्लेड फॉर विच टीम इन डोमेस्टिक क्रिकेट, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, साथ में लाइक शेयर कर दो यार, इतना तो बनता है आपके लिए। अगर छोटा सा मेरा मेहनत जा रहा है तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो कि आप भी
लाइक शेयर कर दो ना, सब्सक्राइब कर देना और भी दोस्तों को बता देना, ठीक है? ओके, इसके नीचे में फीडबैक फॉर्म है, वो आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए, बंगाल, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत बढ़िया, गुजरात सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, अरित्र नहीं बच्चे, यहां पे डी ऑप्शन क्यों ले रहा, राजस्थान नहीं है, राजस्थान नहीं है, गुजरात याद रखना है, ठीक है? ज्योति, इज इट क्लियर, गुजरात, आगे बढ़े, गुजरात, गुजरात इज राइट आंसर, सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 21 पे गुजरात टीम से इन्होंने खेले थे, ठीक है? अगर हम घरेलू क्रिकेट की बात करें, डोमेस्टिक, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द थीम, फिर से थीम पूछा जा रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2020। तो मैंने आपको फिर से बताया ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया, चलिए ठीक है, लेकिन यहां पे आपको थीम या सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। अब आ जाइए थीम पे, क्या होना चाहिए इस साल का थीम, क्या था इस साल का थीम, ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल फटाफट कमेंट्स करो, फटाफट कमेंट्स करो, सबको जल्दी है ना, ये बात हुई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगा दो लगा दो लगा दो, ये हुई ना बात, डी ऑप्शन कह रही है ज्योति, डी ऑप्शन, ओके, और कोई एनीबडी, ये सही है गलत है बाद में बोलेंगे, सबका पहले कमेंट्स आने दो, एकदम फटाफट कमेंट्स करो, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 22। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर अगर डी जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। इस साल अगर हम बात करें दोस्तों मानवाधिकार राइट्स की, तो रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, ओके, तो ये इस साल का थीम था, सब्जेक्ट था, और आपको पता है कि हर इवेंट के पीछे कोई ना कोई उसका मकसद रहता है, सब्जेक्ट होता है, एक थीम होती है, तो ये सारी चीजें आपको अपडेट करके चलना होगा। अनदर क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड आत्मनिर्भर वुमन गोल्ड स्कीम, क्वेश्चन नंबर 23, बताइए क्या होना चाहिए ऑप्शन, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, बताइए बताइए, फटाफट लगाइए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। अरित्र कह रहे हैं ए ऑप्शन एसबीआई, नहीं ये गलत है बिल्कुल अरित्र, ये नहीं होगा, गलत ऑप्शन है, और कोई एनीबडी, ज्योति कह रही है ई ऑप्शन, बिल्कुल सही, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक न्यूज जो है वो आपको अपडेट कर लेनी है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिसंबर 2020 में अपनी बड़ौदा गोल्ड लोन स्कीम के हिस्से के तौर पे आत्मनिर्भर जो महिलाएं हैं, महिला बहने हैं, उनको समर्पित एक आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए एक लॉन्च किया गया है ये स्कीम, और इस योजना की अगर हम बात करें तो बैंक महिलाओं के लिए कितना कर रहा है, 0.5% पे, 0.5% जो है वो रियायत दी जा रही है, कंसेशन दिया जा रहा है, ठीक है, ऋण दे रहा है एक प्रकार से, तो उस पर इतनी रियायत दी जा रही है, और गोल्ड लोन के तहत अगर हम बात करें तो 0.25% पे जो है एक और रियायत जो है वो गोल्ड लोन की योजना के तहत दी जा रही है, ठीक है, और खुदरा ऋण की अगर हम बात करें अगर किसी प्रतिशत की, तो वो 0.5% पे और से अलग से दिया जा रहा है, जो कि एग्री गोल्ड लोन की पेशकश भी कर रही है, ठीक है, तो ओवरऑल ये अलग अलग जो है वो डिसाइड किया गया है कि कितना कंसेशन, कितनी रियायत यहां पर दी जाएगी, तो ये विशेष पहल जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की है। क्वेश्चन नंबर 24, शेख सबाह अल खलीद अल अहमद अल सबाह was reappointed as the prime minister of which of the following country, नाम बताओ उस देश का, क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया है फिर से किस देश का,
कीजिए, कमेंट्स कीजिए फटाक से, ए बी सी डी। ओके ज्योति कह रही है ए ऑप्शन, अदिति कह रही है कुवैत होना चाहिए, अरित्र भी कह रहे हैं कुवैत, डेफिनेटली ये कुवैत के पीएम के तौर पे अभी नवनियुक्त किए गए हैं, उनका चयन किया गया है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। चलिए बात करते हैं अनदर क्वेश्चन नंबर 25 की दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिप्लेस्ड द मालदीव्स एज द होस्ट ऑफ द 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स। ओके इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स बताइए, क्या यहां पे ऑप्शन लेंगे? क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश को जो है 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी के तौर पे मालदीव को यहां से रिप्लेस किया गया है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, ओके मेडागास्कर, बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन, 23 में बी ऑप्शन होना चाहिए। नहीं बी ऑप्शन क्यों होगा 23 पे? अदिति आप कंफ्यूज हैं क्या इसमें? यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। अदिति क्वेश्चन नंबर 23 पे राइट आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, ठीक है क्लियर है, आगे बढ़े, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैंने न्यूज आपके लिए पढ़ा, मैंने अपडेट भी किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है खास तौर पे अगर ये स्कीम लाई गई है तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लाया है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने फोर्ब्स की विश्व में 100 नंबर पे जो है सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वां स्थान इनको दिया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज ग्रैब्ड द 41st स्पॉट इन द 2020 लिस्ट ऑफ द फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड? तो बताइए दोस्तों यहां पे क्या ऑप्शन लेंगे आप, फटाक से कमेंट्स कीजिए क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, ओके ठीक है सबका आंसर आ गया। एफएम मिनिस्ट्री देखने वाली कौन है? निर्मला सीतारमन जी एफएम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, जिनको हालिया में अभी जो है इस 100 नंबर की सूची में सबसे शक्तिशाली महिला के तौर पे बताया गया, ठीक है तो ये हमारे लिए काफी गौरवपूर्ण बात है। अच्छा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जिनको भी प्लस सब्सक्रिप्शन में आना है, याद रखिएगा जिनको भी प्लस सब्सक्रिप्शन में आना है वो बिल्कुल याद रखिएगा, आपको 5400 में पूरा एक साल का आपको काफी अच्छी क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली है। बैंक एग्जाम का कोई भी जो तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे अलग अलग बैचेस बनी हैं और सभी बैचेस में आप अलग अलग समय पर अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से आप वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। सभी क्लासेस यहां पर लाइव होती है और रिकॉर्डेड करने की भी सुविधा है, इसके अलावा नोट्स भी आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोट्स भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल चॉइस ऑफ टीचर्स और चॉइस ऑफ बैचेस आपकी होगी कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं और किस बैच में पढ़ना चाहते हैं, मतलब एक साल की फीस में आपको अनलिमिटेड सुविधा मिल जा रही है, इस फैसिलिटी से आप लोग जुड़ लाइएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन इसे ही कहते हैं दोस्तों हम लोग अनअकैडमी पे, और प्लस सब्सक्रिप्शन में आने के बहुत ज्यादा फायदे हैं,
ठीक है। तो ये फायदे लेने के लिए तुरंत आप लोग अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो सब्सक्रिप्शन संबंधी, कैसे सब्सक्रिप्शन करनी है, क्या है, और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इसी लाइव क्लास पे। जब भी हम लाइव रहेंगे आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो इसका निर्णय जो है यहाँ पर आपका निर्णयात्मक, यहाँ पर हम ये आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लगा लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 काफी अच्छा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सभी लोग आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF, IGF दैट इज IGF, ओके। सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए थे ना। निम्नलिखित में से किसे विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है ये आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 ओके, आप कह रहे हैं डी ऑप्शन, बताइए और कोई। ज्योति कह रही है डी ऑप्शन होना चाहिए, और कोई एनीबडी जिनको ये आंसर क्लियर हो। देखिए दोस्तों यहां पे इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो खास तौर पे यहां पर हम बात करेंगे इंग्लैंड से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे सभी लोग आ जाइए। यहां पे आपको ऑप्शन नंबर डी जेना, ठीक है, याद रखना है जेना वोल्ड्रिज। क्या? जेना वोल्ड्रिज, इनको याद रखिएगा। इनको विश्व स्क्वैश मतलब वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पे इन्हें ही अभी नियुक्त किया गया, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा डी ऑप्शन, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 28, द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF इलेक्टेड, नाम बताना उनका, एज इट न्यू प्रेसिडेंट इफेक्टिव January 1, 2021। क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। यहां पे गोल्फ से जुड़ा हुआ एक खबर आया है जिसके बेसिस पे ये एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है। यहां से पूछा जा रहा है दोस्तों आपको, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF ने किसको अपने नए राष्ट्र जो प्रेसिडेंट है कि इनके रूप में 1 जनवरी 2021 से चुने हैं, बताइए उनका नाम। पीटर फिलिप्स, यान स्टीवर्ट्स, रोनी सिंक्लेयर, पीटर डांसन या अनिका सोरेन स्टैम। अनिका सोरेन स्टैम राइट आंसर लगाइए एकदम फटाफट, क्लासेस खत्म कर दी है, काफी समय हो जाएगा दोस्तों, एकदम फटाफट बताइए। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, चल तो यहां पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे राइट आंसर आप लोग को लगाना है दोस्तों ई ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन अनिका सोन स्टैम, याद रखिएगा ई ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, अनिका सोरेन स्टैम। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गोल्फ बिकेम एन ओलंपिक स्पोर्ट अगेन, तो फिर से गोल्फ को जो है वो शामिल किया गया था, ठीक है, और कितने साल बाद जो है, मतलब लगभग 112 साल बाद जो है ये अभी ओलंपिक खेल से जुड़ गया है, तो गोल्फ की बात की जा रही है, तो बताइए कौन सा सन है, कौन सा ईयर होना चाहिए। 2016 में, तो 2016 से जो है वो गोल्फ को एक प्रकार से ओलंपिक स्पोर्ट्स के तौर पे शामिल किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ये लगभग 112 साल बाद इसे इस स्थान पर दिया गया है और गोल्फ को ओलंपिक खेल के तौर पे अपनाया गया, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर आज का है 30 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टॉप्ड द लीस्ट ऑफ द फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। अच्छा ये तो फिर से हो गया क्या? अच्छा ठीक 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 है ठीक है, फिर बताइए भाई क्या है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स की पत्रिका के द्वारा जो है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है? ओके ओके चलिए बताइए। अंतिम क्वेश्चन है। ओके ठीक है, वायरल जी कहाँ गायब हो गए थे? आप तो वायरल ही हो जाते हैं यार, अभी आंसर दे रहे हैं आप। कमला हैरिस जी, ओके मेरे हिसाब से ही कमला हैरिस नहीं होना चाहिए वायरल जी। यहाँ पे थोड़ा सा अलग आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चलो तो ज्योति जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, एंजेला मर्केल। ठीक है, एंजेला मर्केल जो है वो सबसे टॉप पे अभी इसी यही महिला है जिनको अभी फोर्ब्स पत्रिका ने 100 महिलाओं की जो खासतौर पे मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट जो जारी की है, इस पर टॉप में एंजेला मर्केल का नाम आपको याद रखना है। ठीक है चलिए, तो आज का सेशन कैसा रहा दोस्तों, लाइक और शेयर कर देना फटाफट, और भी दोस्तों को बता देना कि यहाँ पे हम ऐसी क्लासेस करते हैं। और ढेर सारे स्टैटिक और बैंकिंग करंट अफेयर्स के कल हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और कल की क्लासेस की टाइमिंग मेरी मॉर्निंग में रहेगी, मॉर्निंग में रहेगी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इस क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको इसका नोटिफिकेशन चले जाएगा। और एक काम आपको कर लेना है कि हरीश कुमार मेरा प्रोफाइल जो है एक बार रेड कीजिएगा अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे आके, और यहाँ काफी सारे फ्री क्लासेस हैं मेरी, इन सभी फ्री क्लासेस को फायदा आप ले सकते हैं HK2020 रेफरल कोड लगा के। स्पेशल क्लासेस के बतौर फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा, यहाँ से प्रोफाइल भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक काम कर लेना है, ज्वाइन क्विज करने के लिए आपको इसी अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे काफी अच्छी लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो इन सभी का आपको फायदा उठाना है। ठीक है चलिए, तो आज अच्छा एक और विशेष बात है, जो बच्चे अभी मुझे पूछ रहे थे कि सर प्लस सब्सक्रिप्शन का हम कैसे करें, तो प्लस सब्सक्रिप्शन का आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन यहाँ पे आएगा दोस्तों, प्लस ऑप्शन में आपको क्लिक करनी है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे उसके बाद आपको फीस शो हो जाएगी, जो फीस आपको पर्टिकुलर दिखाई जा रही है उस फीस में 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस बॉक्स पे HK2020 रेफरल कोड को लगा देना है। जैसे इस क्लास को आप लगाएंगे आपका 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा, और आप एक साल का या फिर दो साल का किसी भी एक पाठ्यक्रम में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। और आप लोग यहाँ पर बेल आइकॉन जो है वो हिट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और साथ में अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप डेफिनेटली मुझे आप लाइव आके अपनी समस्या बता सकते हैं। और इसके अलावा जो है टाइम का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कल की क्लासेस हमारी मॉर्निंग में रहेगी। ठीक है, तो मॉर्निंग के टाइम आपके पास आपके शेड्यूल पे आ जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो रेफरल कोड याद रखिएगा HK2020, इसी कोड की मदद से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और मेरी फ्री क्लासेस को भी आप अनलॉक कर पाएंगे HK2020 से। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच, आप लोग जितने लाइव जुड़े हैं आप सबका थैंक यू, और जो लाइव नहीं है लेकिन बाद में जो इस वीडियो को देखेंगे उन सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप लोग लाइव आया करें दोस्तों, लाइव पढ़ने का मजा कुछ अलग होता है। ठीक है, तो जरूर मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लाइव आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी का, और जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।